इंदौर और मंदसौर के बाद बड़वानी जिले के बलवाड़ी में भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की पत्थरों से सर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़वानी से एडिशनल एसपी, एफएसएल डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को लेकर बलवाड़ी पहुंचे, जहां सघनता से जांच शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे भाजपा नेताओं ने भी घटना को लेकर आक्रोश जताते हुए घटना स्थल पर ही धरना दे दिया और यह मांग रखी कि घटना की उच्च स्तरीय जांच करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह पूरी घटना राजनीतिक रंजिश से जुड़ी है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए भाजपा नेता मनोज ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। साथ ही गृह मंत्री के गृह जिले में इस तरह की घटना होने पर सवालिया निशान खड़े कर कई तरह के मामले को सतही तौर पर लेने का आरोप लगाया। हालांकि एसपी के पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया। बड़वानी से मुनाफ अली की रिपोर्ट। आज सवेरे 5:30 बजे हमारे मंडल अध्यक्ष जो सवेरे रोजाना की तरह इस रोड पर पैदल घूमने के लिए आते थे, उनका बहुत निर्दयता के साथ में यहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई है। बात सवेरे 5:30 बजे की है, क्योंकि यह गृह मंत्री बाला बच्चन का गृह जिला होने के बावजूद भी यहाँ पर ना कोई बड़ा अधिकारी आया है। हम चाहते थे कि एसपी स्वयं यहाँ पर आए, कलेक्टर स्वयं यहाँ पर आए और मौका वारदात पर हमारे मंडल अध्यक्ष की लाश को देखे कि किस तरह से निर्दयता से उनकी हत्या कर दी गई है। प्रशासन आज तक कुछ भी नहीं कर रहा है और अभी 11:30 बजने में आ गया है, इसका हम क्या करें यहाँ पर। इसलिए हमने पूरा आंदोलन यहाँ पर शुरू कर दिया है और धरना आंदोलन यहाँ पर पूरा चक्का जाम हमने कर दिया है। हमारी मांग है कि सीबीआई जाँच हो और कितने दिन के अंदर सीआईडी जाँच हो, सीबीआई जाँच हो, जिस प्रकार की उच्च स्तरीय जो भी जाँच होती हो वो जांच कितने दिन में पूरी होगी, नहीं तो हम थाने का घेराव करेंगे, एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। क्या लगता है किसके करतूत हो सकती है? ये निश्चित रूप से राजनीतिक देश भावना के साथ में हुआ है, सब लोग जानते हैं। पूरी राजनीतिक साजिश के साथ में, राजनीतिक साजिश के साथ में इस घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। बड़ा अधिकारी आकर यहाँ पर, एसपी स्तरीय अधिकारी या कलेक्टर स्तरीय अधिकारी आकर हमको अगर यहाँ पर जवाबदारी के साथ में कितने दिन में इस घटना को पूरा करेगा, हमको जानकारी देगा, तभी उसके बाद में ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये वाला आशंका पूरी जांच के बाद में पुलिस जांच करे, ये पुलिस की जांच का विषय है। एक मनोज ठाकरे नाम के बलवारी के निवासी है, उनकी सुबह हमको रिपोर्ट मिली कि बॉडी गांव में मिली है, फंसाई नेचुरल डेथ है और इसमें स्कोप है, मर्डर का स्कोप है। तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग और हमने अपने एक्सपर्ट की टीम से सैम्पलिंग ले लिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार राजनीतिक साजिश की बात कर रहे हैं। आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट। आज हमारे क्षेत्र में ये घटना हुई है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी मैंने दे दिया। अदर पॉलिटिकल कमेंट्स आई कैनॉट गिव। बाकी जो इस केस के रिलेशन में है, इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठित किया जाएगा, जिसकी एडिशनल एसपी अध्यक्ष रहेंगे। अंडर हिज लीडरशिप वी विल कंडक्ट एसआईटी और इसमें जो जितना पॉसिबल एंगल होगा उसको एक्सप्लोर करेंगे एंड वी विल कम टू अ कंक्लूजन वेरी सून।